केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का आदेश हुआ जारी। दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है, जिसका कि इंतजार 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को था। तो इस आदेश के अनुसार माननीय राष्ट्रपति जी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2023 से 4% की बढ़ोतरी पर मोहर लगा दी है और इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो गया है। और यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस महीने की सैलरी यानी कि अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन के साथ में किया जाएगा। साथ में ही पिछले 3 महीने का जो एरियर है यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 का, यानी कि इन 3 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को इस महीने में ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ये बड़ी राहत केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है कि इस महीने उनको बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाएगा। इस आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemployeescorner.in से प्राप्त करें, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।